गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंग्लिश विद रोहित। इस चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं मोटिवेशनल, एजुकेशनल एंड इंग्लिश लर्निंग वीडियोस। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ये बताना बिल्कुल न भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है WH फैमिली पार्ट 4। WH फैमिली पे हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और ये पार्ट 4 की वीडियो बना रहे हैं। आप सारे पार्ट देखिए ताकि आप WH फैमिली को अच्छे से समझ पाए। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि हु और होम में क्या डिफरेंस है। कई बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि सर हु लगाएं या होम लगाएं, तो आपकी वो कंफ्यूजन दूर होने वाली है। तो ध्यान से देखना इस वीडियो को, आइए समझते हैं। देखिए, पार्ट 4 में हम बात कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन हु एंड होम। अब हु का क्या मीनिंग लेते हैं हम? हु का मीनिंग लेते हैं हम किसने, कौन और किसे और किने भी लेते हैं वैसे तो, ठीक है, लेकिन ज्यादातर इन शब्दों के लिए हु का यूज होता है। और होम का यूज होता है किसे और किसको शब्द के लिए। अब जब आप इसका यूज किसने और कौन के लिए करते हैं तब तो आपके दिमाग में क्लियरली हु रहता है, लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम होती है कि जो किसे शब्द है उसके लिए हु का भी प्रयोग किया जाता है और जो किसे शब्द है उसके लिए होम का भी प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर आकर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसे जब आ जाता है हिंदी में तो वो उसकी जगह होम लगाएं या हु लगाएं, ठीक है। जब किसे और किसको, जब किसको आएगा तब तो दिमाग में बिल्कुल होम रहता है। बस एक ये वर्ड है जो किसे है, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, ये कंफ्यूज करता है। तो पहला एग्जांपल देखते हैं हम। हमारा सेंटेंस है तुम किसे बता रहे हो, तुम किसे बता रहे हो। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हमने पिछली वीडियो में देखा था जिसमें हमने हु सीखा था, उसमें हमने बताया था कि हु वाले वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं होता। अगर आपको हु का प्रयोग करना है तो आपके सेंटेंस में काम करने वाला नहीं होना चाहिए। अगर आप ध्यान से इस सेंटेंस को देखें तो सेंटेंस कह रहा है कि तुम किसे बता रहे हो, यानी कि जो ये बताने का काम है इसको करने वाला तो यही है, तुम है। इसका मतलब इस सेंटेंस में काम करने वाला दिखाई दे रहा है कि भाई काम करने वाला कोई है। अगर सेंटेंस में काम करने वाला है तो आप हु का प्रयोग कभी नहीं कर सकते, इसलिए इस सेंटेंस में हमने होम का प्रयोग किया है। सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस, बता रहे हो यानी कि रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस। और जब भी आप हु का प्रयोग करते हैं तो आप सिंपल रूल का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहां पर हम होम का प्रयोग कर रहे हैं तो हमें कौन सा रूल लेना है, इंटरोगेटिव रूल लेना है। तो होम हमने सबसे पहले लगाया WH फैमिली वर्ड, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस का इंटरोगेटिव रूल लगाएंगे तो उसमें इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब के साथ आईएनजी लगाना पड़ेगा। तो हमारा सेंटेंस बनेगा होम आर यू टेलिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। क्रिकेट खेलना किसे अच्छा लगता है। देखिए यहां पे सेंटेंस में जो लास्ट मेन वर्ब है हमारी है वो है अच्छा लगना। अब क्या इस सेंटेंस में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है? नहीं है, यानी कि हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है। तो मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता तो वहां पर कौन और किसने और किसे शब्द के लिए हमने हु का प्रयोग करना है। तो क्रिकेट खेलना, मान लो मैं बोलता हूं कि क्रिकेट खेलना राम को अच्छा लगता है, इसका मतलब अच्छा लगने का काम किसने किया, राम ने। लेकिन इस सेंटेंस में यहां पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, यानी कि क्रिकेट खेलना किसे अच्छा लगता है इसके लिए हम हु का प्रयोग करने वाले हैं। दूसरी बात, हु का जब भी आप प्रयोग करेंगे तो आपका जो फॉर्मूला होगा वो इंटरोगेटिव नहीं होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। तो ये प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है, उसका सिंपल फॉर्मूला देखो क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एससीएस और ऑब्जेक्ट। और दूसरी बात का हमें ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट हमारे पास नहीं है तो सब्जेक्ट को हम मिसिंग कर देंगे, यानी कि आप उसको छोड़ दीजिए। तो सेंटेंस बना हमारा हु, उसके बाद काम करने वाला हमारे पास नहीं है तो हमने सब्जेक्ट को मिसिंग किया, सीधा वर्ब की बात करी, हु लाइक्स, कौन पसंद करता है या किसे अच्छा लगता है टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलना किसे अच्छा लगता है, ठीक है। अगला सेंटेंस, तुम किसको मिलने जा रहे हो। यहां पर वर्ब है हमारी जा रहे हो, मिलने जा रहे हो,
इस सेंटेंस में मिलने कौन जा रहा है? देखिए हम सामने वाले से कह रहे हैं तुम किसको मिलने जा रहे हो, तो मिलने जो जा रहा है वो तो यही है तुम। इस सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट मौजूद है, तो जिस सेंटेंस में आपके पास सब्जेक्ट होता है वहां पर आप हु नहीं लगा सकते। जिस सेंटेंस में आपके पास सब्जेक्ट नहीं होता वहीं पर आप हु का प्रयोग करते हैं, इसलिए हमने यहां पर होम का प्रयोग किया है। होम आर यू गोइंग टू मीट, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है हमारा, प्रेजेंट कंटिन्यूस रहा है रही है, हमने होम लगाया और उसके बाद इंटरोगेटिव रूल लगाया। ये बात ध्यान रखना कि हु के साथ आप सिंपल रूल लगाएंगे और होम के साथ आप इंटरोगेटिव रूल लगाएंगे, तो आपसे गलती नहीं होगी। अब क्योंकि होम आया है तो हम पहले हेल्पिंग वर्ब लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब जो भी है टेंस के अकॉर्डिंग। तो होम आर यू गोइंग टू मीट, आप या तुम किसको मिलने जा रहे हो। हमारा लास्ट सेंटेंस है वहां कौन गया है। मान लो इस कौन की जगह मैं रख देता हूं राम, वहां राम गया है, तो हमारा सेंटेंस सिंपल ही बनेगा ना, राम हैज गॉन देयर। यहां पर हम राम को मान के चल लेंगे, लेकिन हम बोल रहे हैं वहां कौन गया, यानी कि जाने वाला मौजूद नहीं है, यानी कि सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट नहीं है तो क्या लगाना पड़ेगा, हु। तो हु हैज गॉन देयर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये, प्रेजेंट परफेक्ट। और हमने यहां पर हु के बाद सब्जेक्ट को मिसिंग किया है, क्योंकि सब्जेक्ट तो होता ही नहीं हु के साथ। अगर यहां पर सब्जेक्ट होता तो हम बोलते राम हैज गॉन देयर, उसी की जगह तो हु लेता है, तो हमने बोला हु हैज गॉन देयर। ठीक है, तो हु और होम में डिफरेंस अब आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक वेरी वेल, बहुत अच्छे से। आप इस वीडियो को 2-3 बार 4 बार देख लेना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि बार बार देखने के YouTube पे कोई पैसे नहीं लगते। तो देखा करो 3-4 बार एक वीडियो को, अगर एक बार में समझ नहीं आती तो 2-3 बार 4 बार देखा करो, ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स ठीक किए जाएं, सही से हल किए जाएं। थैंक यू, धन्यवाद। तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सकें, और नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि हम और मेहनत करें और बेटर वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई एनर्जी और नए जोश के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।